खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने गाजा की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने कंटेनर में लदा 640 किलो गाजा बरामद किया है। कंटेनर में बरामद हुए गाजे की कीमत 1,60,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर में मौजूद दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एग्जिट पॉइंट पर गाजा की बोरियों से लदा कंटेनर पकड़ा गया है। बता दें कि गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र के पखनपुरा इलाके में पुलिस टीम ने ये कंटेनर पकड़ा। पकड़े गए तस्कर गाजा की ये खेप असम से लेकर सुल्तानपुर जा रहे थे। पकड़े गए तस्कर वाराणसी के रहने वाले हैं। इस मामले को लेकर गाजीपुर के SP ईरज राजा ने क्या कहा, सुनिए। स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम एवं थाना भावरकोल की संयुक्त कार्रवाई में कल शाम को सूचना मिली थी कि एक एक्सप्रेसवे के रास्ते से एक बड़ा कंसाइनमेंट जिसमें ड्रग्स हो सकती है, उसका मूवमेंट हो रहा है। तो जब उसको चेकिंग पे हम लोगों ने, जो हमारा पॉइंट था भावरकोल में उतरने का एक्सप्रेसवे से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, तो वहाँ पर जब उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया तो उस ट्रक में काफ़ी भारी संख्या में गांजा जो था वो बरामद हुआ। और जब उसको तोल करवाया गया तो 640 किलो के लगभग वो गांजा उसमें बरामद हुआ है। और दो अभियुक्त भी पकड़े गए हैं, जो कि दोनों सगे भाई हैं, दीना विष्णु पाठक और रविशंकर पाठक, दोनों ही वाराणसी के रहने वाले हैं और दोनों ही काफ़ी शातिर किस्म के लड़के हैं। और इस तरह से पहले भी मूवमेंट जैसे उन्होंने बताया कि करते रहे हैं, और इस बार अच्छी एक सूचना के आधार पर ये स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम एवं थाना भावरकोल की कार्रवाई हुई है। और इनके पास से जो सामान मिला है, हम उसमें और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं कि इसमें कहाँ पर ये सप्लाई के लिए जा रहा था, कहाँ से ये लोग लेके आए थे, पूरी चेन स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जल्दी ही पूरे इनके गैंग में, पूरे ग्रुप में जो लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर, इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? इसकी अनुमानित कीमत लगभग जो सरकारी रेट के अनुसार 2 करोड़ के आसपास होगी, और मार्केट रेट के अनुसार इसकी कीमत कम से कम 5-6 करोड़ के आसपास होगी।